हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज एक नया डिज़ाइन फिर से बनाऊंगा आप लोग के लिए और पूरा एक्सप्लेन भी करूंगा अच्छे से। ठीक है, कैसे क्या करना है। लेयर इसका मैं कंप्लीट कर चुका था पहले से ही। 2 kg का केक बनेगा ये वाला, और ये गर्ल फेस का जो केक रहता है वो बनेगा। तो क्या कैसे बनाया हूँ पूरा स्टेप बाई स्टेप आप लोग को समझाया हूँ। वीडियो थोड़ा फास्ट कर दिया हूँ लेकिन आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नया नया आप लोग देख रहे हैं तो, क्योंकि इस पे अब से जितना जो भी मैं वीडियो डालूंगा पूरा एक्सप्लेन करूंगा। बहुत कुछ आप लोगों को सीखने के लिए मिल जाएगा इस चैनल से, क्या कैसे करना है, कितना क्या डालना है, डिज़ाइन को इसे भी कैसे करें, केक कैसे फिनिशिंग करना, हर एक चीज़ का। और सब रेसिपी मैं इस पे लाऊंगा। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रख लें, बेल आइकन भी दबा लें ताकि जो भी मैं वीडियोज़ डालूँ आप लोग तक पहुँच जाए स्टार्टिंग में ही। और कुछ अगर डाउट्स रह जाता है आप कमेंट करें, इस वीडियो के सारे कमेंट्स का मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने का। तो आप लोग देख सकते हो आइसिंग कर चुका हूँ। ये मेरा स्टार नोजल है पर्पल कलर का क्रीम बना करके, इसका मैं बाल बना रहा हूँ देख सकते हैं। पहले मैं लाइनिंग इसमें कर लिया था बीच का ताकि मेरे को एक आइडिया लग जाए मेरे को यहीं तक करना है इसका डिज़ाइन, इसलिए। तो आप लोग देखिए, और नोजल जो आप लोग लगाओगे कोशिश कीजिए एक बराबर करने के लिए ताकि देखने में बहुत सुंदर सा दिखेगा। और ये हम येलो कलर का क्रीम इसमें पहले बॉर्डर लगा देते हैं लास्ट का। जो हमारे पास फोटो था उसमें भी सेम वही था जैसा मैं कर रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हो मैं बॉर्डर लगा दिया हूँ। अब इसको मैं भर दूंगा पूरा नोजल से, वही पर्पल कलर से। ये हो गया। अब दोनों साइड से जैसे बाल का चोटी कैसा रहता है सेम वैसे ही बॉर्डर नोजल में लगा रहा हूँ इसमें, आप लोग देख सकते हो। इसमें फ्लावर बना करके भी आप लोग को दिखाएंगे हम कैसे बनाना है। तो आप लोग देख सकते हो एक नोजल इधर से लेना है हमें, एक नोजल इधर से लेना है। तो बिल्कुल जैसे चोटी बनता है लड़की लोग का सेम वैसा ही ये वाला दिखेगा। तो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। एक लाइन और हम इसमें नोजल लगाएंगे, आप लोग देख सकते हो आगे से। ये हो गया। अब इसका आँख वगैरह खोलेंगे जो भी। ये मैं फोंडेंट का छोटा छोटा राउंड राउंड करके रख लिया था, आप लोग देख सकते हो हाथ में जो है आँख के लिए। आप चाहो तो इसमें ट्रफल भी डाल सकते हो, जो चॉकलेट गनाज रहता है वो भी डाल सकते हो इसमें, लेकिन मेरे पास फोंडेंट था ना, फोंडेंट ज़्यादा फिनिशिंग दिखता है इसलिए मैं डाल दिया। ये मैं ट्रफल गनाज का कर रहा हूँ, पहले टूथपिक से डॉट डॉट कर लिया था ताकि उससे होगा क्या अच्छे से फिनिशिंग में आप लोग का आ जाएगा, गड़बड़ नहीं होगा। अब ये फिर ट्रफल का ही थोड़ा सा खींच देना है दोनों साइड से, आप लोग देख सकते हो आँख का, क्योंकि सेम इसमें किया हुआ था ऐसा तो करना पड़ेगा। अब ये रेड जेल, ये देखिए हो गया। अब इसमें हमें फ्लावर बनाना पड़ेगा। इसका मुंह भी बन गया, आँख वगैरह पूरा फेस इसका रेडी हो गया। अब इसमें हम फ्लावर बनाएंगे जो कि ऊपर रखेंगे। ये वाला वाइट थोड़ा छोटा छोटा सा लगा के डाल दे रहा हूँ इसमें क्रीम का ही, और नीचे पिंक कलर का बॉर्डर लगाना था तो एक मोटा पतला करके इसमें लगाना है। आप लोग देख सकते हो एक साइड से मोटा खींचना है, फिर राउंड राउंड करके, फिर पतला। पूरा केक में सेम ऐसा ही बॉर्डर था जो कि मैं नीचे लगा दिया हूँ, जो मेरे पास फ़ोटो आया था। ये फ़ोटो मॉडल केक है। अब चलिए फ्लावर बनाता हूँ। फ्लावर नोजल R11 है, पर मैं स्लो कर दिया हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख सको स्टेप बाय स्टेप इसमें कैसे कट करना है। ठीक है, तो पिलर फर्स्ट बनाना है। आप देख सकते हो फर्स्ट लेयर ले लिया, फिर थोड़ा सा आगे हाफ से इसको कट करते जाना, नीचे की ओर आते जाना। आप लोग देख सकते हो सेम, और कुछ भी इसमें नहीं करना है, बस ऐसे कट करके नीचे की तरफ आना है। एक तो फ्लावर में बना करके दिखा दिया, बस टोटल इसमें सेट कर दे रहा हूँ। फिर पिंक कलर का डालना था दो इस साइड पे, दो वो साइड पे। तो ये देखिए हो गया। अब इसमें साइड से इसमें पत्ती लगाना है, वो भी लगा देता हूँ ग्रीन कलर का, देखने में और भी अच्छा लगेगा। और ये पत्ता शेप में नहीं कट किया हूँ, राउंड ये पूरा। तो चलिए ये वाला केक लगभग हो गया मेरा रेडी। आप लोग बताइए कैसा लगा ये वाला वीडियो मेरा, जो कि छोटा सा, और ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लूँगा, जल्दी से जल्दी आप लोग कंप्लीट करके बता दूंगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं ये केक आप लोग को कैसा लगा।